अब आपके शहर सिवान में नीलकमल फर्नीचर का विशाल शोरूम जिमी सेल्स के ऊपर। अब मात्र 999 के ईएमआई पर शहर वासियों को मिलेगा एक ही छत के नीचे फर्नीचर के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, आरओ, बैटरी, इन्वर्टर का विशाल रेंज। संपर्क करें जिमी सेल्स पुरानी किला मोड़ के पास। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। आइए देखते हैं क्या है इस वक्त बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर खास खबर। सिवान में अज्ञात कारणों के चलते हजारों की संख्या में मछलियां मर गई, जिसको लेकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। स्थिति यह है कि नदी के ऊपरी तह मछलियों का कारण सफेद दिखने लगी है, लेकिन मछलियों के मरने का कारण सामने नहीं आया है। मामला महाराजगंज थाना क्षेत्र के महुआरी गाँव के गंडक नदी का है। मरी हुई मछलियों के दुर्गंध से ग्रामीण काफी परेशान है। ग्रामीणों को बीमारी का डर सता रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि छोटी से लेकर बड़ी मछलियां भी मर रही है। इसे लेकर ग्रामीण कई तरह के कयास लगा रहे हैं कि नदी में कोई जहरीला केमिकल छोड़ा गया है, इससे इतनी तादाद में मछलियां मरी है। एक साथ इतनी मात्रा में मछलियों के मरने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि केमिकल या जहर कितना घातक हुआ कि पानी में घुलते ही हजारों की संख्या में मछलियां मर गई। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह पानी की सतह पर मरी हुई मछलियां दिख रही हैं। छोटी से लेकर बड़ी तक मछलियां मरी हुई हैं। मामला महाराजगंज थाना क्षेत्र के महुआरी गांव स्थित गंडक नदी का है। मरी हुई मछली के दुर्गंध से ग्रामीण काफ़ी परेशान है। ग्रामीणों को बीमारी का डर सता रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह हजारों की संख्या में मछलियां मरी हुई है। गंडक नदी की ये तस्वीरें हैं। महाराजगंज थाना क्षेत्र के महुआरी गाँव की गंडक नदी का ये तस्वीरें हैं। यदि इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए तो मछलियों के मरने का पूरा मामला सामने आ जाएगा। यह महुआरी नदी में लगातार मछलियां मर रही हैं और गंदा आ रही है, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, मछली बहुत मर रही है और बहुत गंदा आ रहा है। इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं आप? मैंने इसका कोई उपाय करना चाहिए मत्स्य विभाग को। कई किस्म की बीमारी भी हो सकती है। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुजीत सिंह, ग्राम महुआरी। सिवान में अज्ञात कारणों के चलते हजारों की संख्या में मछलियां मर गई, जिसको लेकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। स्थिति यह है कि नदी के ऊपरी तह मछलियों का कारण सफेद दिखने लगी है, लेकिन मछलियों के मरने का कारण सामने नहीं आया है। मामला महाराजगंज थाना क्षेत्र के महुआरी गांव के गंडक नदी का है। मरी हुई मछलियों के दुर्गंध से ग्रामीण काफी परेशान है। ग्रामीणों को बीमारी का डर सता रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि छोटी से लेकर बड़ी मछलियां भी मर रही है। इसे लेकर ग्रामीण कई तरह के कयास लगा रहे हैं कि नदी में कोई जहरीला केमिकल छोड़ा गया है, इससे इतनी तादाद में मछलियां मरी है। एक साथ इतनी मात्रा में मछलियों के मरने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि केमिकल या जहर कितना घातक हुआ कि पानी में घुलते ही हजारों की संख्या में मछलियां मर गई। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह पानी की सतह पर मरी हुई मछलियां दिख रही हैं। छोटी से लेकर बड़ी तक मछलियां मरी हुई हैं। मामला महाराजगंज थाना क्षेत्र के महुआरी गांव स्थित गंडक नदी का है। मरी हुई मछली के दुर्गंध से ग्रामीण काफी परेशान है। ग्रामीणों को बीमारी का डर सता रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह हजारों की संख्या में मछलियां मरी हुई है। गंडक नदी की ये तस्वीरें हैं। महाराजगंज थाना क्षेत्र के महुआरी गाँव की गंडक नदी का ये तस्वीरें हैं। यदि इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए तो मछलियों के मरने का पूरा मामला सामने आ जाएगा। यह महुआरी नदी में लगातार मछलियां मर रही हैं और गंदा आ रही है, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, मछली बहुत मर रही है और बहुत गंदा आ रहा है। इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं आप? मैंने इसका कोई उपाय करना चाहिए मत्स्य विभाग को। कई किस्म की बीमारी भी हो सकती है। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुजीत सिंह, ग्राम महुआरी। बिहार न्यूज एक्सप्रेस देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अभी तक आपने अगर बिहार न्यूज एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार के कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें।
डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज सिसवन डाला लक्ष्मीपुर सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।